Hello everyone, once again welcome to Bio with Moo. Today we are going to study about the interconversion of mole and mass. While working on stoichiometry problems, we often need to interconvert mole and mass of reactants and products. For this purpose, molar mass is used as conversion factor. जितो असांगे stoichiometry problems में कितरे यंदन दे असांगे problems इंदा था जिते असांगे इंटरकन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास करनी पड़ी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो तेजे करे जो मोलर मास आए वो असा जो कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल कर विंदो है। मोलर मास जो को आए सायो एटम जो या मॉलिक्यूल जो या सब्सटेंस जो वो असा जो कन्वर्जन फैक्टर से डाइव विंदो है। टू कन्वर्ट गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इनटू मोल वी डिवाइड इट बाय मोलर मास। चाहे तो कन्वर्ट करने लाए असांगे असा गिवन मास के डिवाइड करना है उन जे मोलर मास। ऑन द अदर हैंड इफ मोल्स आर नीडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू मास वी सिंपली मल्टीप्लाई इट विद मोलर मास। कंक्लूजली द फॉलोइंग फार्मूला मे बी यूज्ड फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। ॾिसो नंबर ऑफ मोल्स असांखे जेकॾहिं ॻोल्हणा हुजनि त नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स आहिनि गिवन मास जेको बि गिवन मास हूंदो कंहिं बि एलिमेंट जो मालिक्यूल जो उहो ग्राम्स में हूंदो ऐं जेको मोलर मास ऑफ सब्सटेंस उनजो ई मोलर मास उनखे पाण में डिवाइड कंदासीं त असांखे हिकिड़ो मोल मिलंदो नंबर ऑफ मोल्स। उहो नंबर ऑफ मोल हूंदो एक्चुअल मोल उन सब्सटेंस जो उन पार्टिकल जो या उन मोल उन मालिक्यूल जो। हाँ ॾिसो एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे कैलकुलेट द मोल ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। हाणे जेको 25.5 ग्राम आहे इहो असांजो छा आहे गिवन मास आहे। ठीकु आहे हाणे जेका डेटा आहे गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल 25.5 ग्राम नंबर ऑफ मोल सोडियम असांखे ॻोल्हणा आहिनि। सॉल्यूशन आहे सिंस द मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल वी यूज़ दिस फार्मूला मास इज कन्वर्जन फैक्टर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। मोल्स ऑफ सोडियम गिवन मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन मास असांखे 25.5 ग्राम ॾिनल आहे ऐं जेको हुनजो मोलर मास आहे सोडियम जो 23 ग्राम पर मोल आहे। इहो असां जेकॾहिं असां हिननि खे डिवाइड कंदासीं पाण में त असांखे आंसर मिले थो 1.11 मोल्स। ऐं नाओ हाणे जेकॾहिं कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर आहे। हाणे जेकॾहिं असांखे मास ॻोल्हणा आहिनि त हिते वरी मोल्स जो नंबर मिलियल आहे 3.25 मोल्स वाटर जो। अचो त हिनखे सोल्व कयूंसि मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर मोलर मास ऑफ वाटर बल्कि मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर इंट मोलर मास ऑफ वाटर। इंट मीन्स मल्टीप्लाई मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर इंट मोलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3.25 इंट 18 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम असांजो मास ऑफ वाटर आहे H2O। सेकेंड नंबर ते इंटरकनेक्शन ऑफ मोल एंड नंबर्स ऑफ पार्टिकल। If interconversion of mole and numbers of particles, if we need to convert moles into number of particles or vice versa, Avogadro's number is used as converting factor. This can be expressed in the following way. जेको हाणे वरी interconversion of mole and number of particles में converting factor आहे उहो असांजो Avogadro आहे 6.02×10^23 particles. Number of moles is equal to number of particles of substance डिवाइडेड बाय Avogadro नंबर। असां जेके जेतिरा बि हुन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस हूंदा हुनखे असां डिवाइड कंदासीं Avogadro नंबर सां त असांखे नंबर ऑफ मोल्स मिली सघंदा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 6.11 ग्राम ऑफ बेंजीनिक एसिड C7H6O2। मालिक्यूल्स ऑफ बेंजीनिक एसिड असांखे ॻोल्हणा आहिनि बल्कि गिवन मास 610 ग्राम आहे। सेंस मोलर मास ऑफ बेंजीनिक एसिड इज 122 ग्राम पर मोल। 122 ग्राम बेंजिक एसिड कंटेन्स 6.02×10^23 पार्टिकल्स बेंजिक एसिड। हाणे 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02×10^23 पार्टिकल्स 122 मल्टीप्लाई 6.02×10^23 पार्टिकल्स 122 मल्टीप्लाई बाय 610
असाए आंसर मिले तो मोल्स ऑफ बेंजिक एसिड 3.0 × 10^23 पार्टिकल्स हाँ जो 122 आयो यो असाए 122 इस ग्राम बेंजिक एसिड है जो C7H6O2 जो जो कौन जो असा जो मास निकला दो ना वो असा जो 122 ग्राम है इन्हें कैसा एवोगुटर नंबर के डिवाइड करना से 122 था उन्हें पो असा उन्हें मल्टीप्लाई करना से जगह असा हाने जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ले लूँ था बेंजिक एसिड जा 610 आर केड़े भी सबसे जा गाइस अडियो असा यो लेक्चर सुपाने सिंह सुबह न्यू टॉपिक शुरू करना थी इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम थैंक यू सो मच